कितनी प्यारी लग रही है, देखना क्या मस्त व्यू आ रहा है। गाड़ी का टायर होगा जाम, इसके बैरिंग में पहले दिक्कत चल रही थी। और सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आई होप सभी अच्छे होंगे। तो अच्छे रहना। तो फाइनली निकलते हैं, पिछला ब्लॉग देख लिया था, कसौली सॉरी सोलांग वैली से आए थे, और सोलांग वैली वाला पार्ट जो मैंने अलग से बनाया क्योंकि उसमें मेरी बाइक क्रैश हुई, आपने देखा तो बहुत बचाया चोट लगने से, बाकी बाइक में भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, थोड़ा मोटा हुआ है, वो चलता रहता, वो करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी निकलते हैं कसौल के लिए, और 80 किलोमीटर है और टाइम 11 बज चुका है, तो जल्दी ही लगेज बांधते हैं और चलते हैं, फिर बाइक पर मिलते हैं। से पहले एक प्रॉब्लम और आके खड़ी होगी, गाड़ी का टायर होगा जाम, इसके बैरिंग में पहले दिक्कत चल रही थी और ये अब जाम हो गया निकलते इसमें। ये तो असला हो गया, अब ब्रेक लूज करके उसका फिर निकाला है तो चल रही है फिलहाल। तो बाय बाय, फिर कभी मुलाकात होएगी मनाली के साथ, और साइड में फिर वही रिवर, और इसका बैरिंग मिला नहीं, बोल रहे आगे मिलेगा, तो लास्ट स्नोफॉल है माउंटेन पर देख लो, उसके बाद तो भाई साहब मुश्किल है, कसौल में तो कुछ मिलना नहीं है तुम्हें, क्योंकि लास्ट यही है इधर। और स्नो दिखा रखी है यहाँ की मंडे की, और यार मंडे तक तो रुक नहीं सकते, तो ये देखो क्या डेंजर काम रखा है। एक शॉप मिली है और उस साइड में थी, तो इसका बैरिंग चेक करवाते हैं यार, ये दिक्कत दे रही है, तो उस साइड में लेके चलता हूँ इसको, जल्दी आ नीचे फिर तो दिखाते हैं इसको क्या बोलते है। इसका ग्रेस ख़त्म हो गया गोड्डो का, इसलिए एक पैर तोड़ दिया इसका, प्लस्तर हो रहा है। नाश्ता कर लिया था? मैंने एक पराठा खाया था यार। बस रात को तो मैंने जी बैरिंग खत्म हो रखा है इसका पूरा, ये देखो ये गोलियां ही दिख रही ना, ये आधी तो गायब ही हो रखी है इसके अंदर से। पैर आगे वाला पैर तोड़ दिया बैरिंग के, थोड़ा ही काम के यार, बोल रहे 300 की बैरिंग है और 100 रुपए लेबर। रेडी हो गया सारा काम और ये खड़ी अपनी खुशी, इधर से कूद के जाना पड़ेगा मुझे, बंद होगी यार चलते चलते, पता नहीं क्या हो गया एकदम से, वो तो गई स्टार्ट, पता नहीं क्या हो गया था यार, बंद हो गई थी चलते चलते, मैं तो घबरा गया था यार, पता नहीं क्या हो गया, अभी एक ठीक कराई अब दूसरी बोल गई, खुशी ऐसे मत दिया कर, धोखा मुझे डरा दिया था, मुझे पता है तेरी सर्विस आ रही है जाते। और सुबह से कुछ नहीं खाया तो नाश्ता करके फिर निकलते हैं यार, और टाइम भाई साहब 11:38 हो गए छाया में, इधर कुछ खाते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से। फाइनली 1 घंटा हो गया यार, और ये भाई मिल गए थे दिल्ली से, आरती कर लेके आए हैं 3 दिन हो गए बोल रहे, तो इधर टाइम लग गया थोड़ा, 1 घंटा हो गया कम से कम, और अब निकलते हैं फिर से एक न्यू एनर्जी के साथ। 1 घंटा लग गया यार इधर हमें कम से कम, और हम पहुंच गए रामपुर कसौल, यहाँ से दिखा रहा है 70 किलोमीटर के आसपास, 70 या। मसला हो रहा है बाइक ना बीच में 2 बार बंद हो चुकी है, तो पता नहीं क्या दिक्कत है, अपने आप चलती चलती बंद हो रही है यार, आगे चेक करानी पड़ेगी, कोई TVS का सर्विस सेंटर आएगा तो, क्योंकि यार अगर रास्ते में दिक्कत हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक डेंजर, पैर ऊपर कर लो और निकाल दो, देख रहे हैं कैसी कैसी वाटर क्रॉसिंग आ रही है लद्दाख वाली। परसों गए थे कुछ भी नहीं था इधर, और अब होगी दिखा रहा है लेफ्ट, और 32 किलोमीटर रहेगा टोटल, और यहाँ से लेफ्ट दिखा रहा है टनल से नीचे, तो भाई आ रहे हैं दोनों, उनको आने देते हैं और उनका वेट करते हैं, क्योंकि कहीं वो सोचे बंदा आगे ना निकल गया हो, तो उनका आने 35 किलोमीटर कसौल, और आधा पौना घंटा 1 घंटा मान के चलो मैक्सिमम, अगर व्यू अच्छा है तो रील वगैरह करन और कसौल के लिए लेफ्ट यहाँ से। भाई साहब ये है चौराहा देख लो, कभी इधर आना हुआ तो इधर से लेफ्ट दिखा रहा है, तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं, तो भाई सोनू भाई भी फर्स्ट टाइम जा रहा है, और ये भाई है जो बीच में नाम पता नहीं, ये भी शायद फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो रास्ते का कुछ पता नहीं है, कंडीशन कैसी है कैसी नहीं, जैसा भी होगा देखी जाएगी यार। और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है यार, वहाँ पर ऊपर लग रही थी गर्मी, और सॉरी ऊपर लग रही थी ठंड हमें, और अब लग रही है भाई साहब गर्मी, बस ये वेदर रह गया हमारा, कभी गर्मी कभी सर्दी, बस
पड़े हैं, ऐसा लग रहा है राजस्थान के अंदर आगे। ये देखना बिल्कुल सूखा, ना ग्रीनरी है ना कुछ है, बस ऊपर चोटी में उस साइड में दिख रहा है थोड़ा माउंटेन पे बर्फ सी दिख रही है, वो पता नहीं कसोल में है कहाँ पर है, मणिकरण में है। तो मणिकरण जो गुरुद्वारा है यार, वहाँ पर जो एक खासियत है उस गुरुद्वारे की भी, वहाँ पर ना कुदरती जो चीज़ है मतलब पानी ना उबलता रहता है गुरुद्वारे के अंदर, मणिकरण गुरुद्वारा जो, और जो पूरे गुरुद्वारे का जो लंगर चलता है, जो खाना बनता है ना उस गुरुद्वारे का, पूरा उस पानी के अंदर बनता है जो ऑटोमेटिकली उबलता रहता है। तो दिखाऊंगा आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा इसमें वीडियो में, लास्ट तक बने रहना यार सारी चीज़। ये तो चढ़ान है भाई साहब, जो जिला वाली चढ़ान आ रही है इधर, तो ऊपर तक ऐसे ही आएगा शायद 30-35 किलोमीटर पूरी चढ़ान आएगी, ऐसे ही रहेगा बस। और रिवर बैरी कितनी प्यारी लग रही है देखना, क्या मस्त व्यू आ रहा है यार, क्या जन्नत आ गई यार, जन्नत में आ गए। पर पहाड़ सूखे पड़े हैं इसलिए थोड़ी ही प्रॉब्लम सी हो रही है बस, प्रॉब्लम तो क्या। और ए लो यार थोड़ा रेस्ट हो जाएगा बाइक को भी। ये देखो यार क्या गजब व्यू है, पूरी रिवर देखना कितना साफ पानी है, मेरा मन तो कर रहा है नहा लूं। किलोमीटर और चढ़ाई देखना यार, साइड से रास्ता था शायद वो लैंडस्लाइड की वजह से डैमेज हो गया, और ये रास्ता है यार देखना ऐसा ऐसा। एक तो रोड कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार हो रखी यार, पूरे कपड़े मिट्टी में हो गए, इतना तो मैं दिल्ली से मनाली तक नहीं थका था जितना इस रूट पे थक गया, 40-50 किलोमीटर की उस पर लैंडस्लाइड हो रखी है पूरी है देखना। मेरे याद आ गई इस रास्ते को देख के, अभी तक पिछले अक्टूबर के आसपास कश्मीर गए थे मैं और राम, तो ऐसे ही लंबे लंबे पेड़ थे और बीच में से ऐसे रास्ता, तो पूरे लंबे लंबे पेड़ थे ऐसे और बीच में से था ऐसे रास्ता, बस गजब लगता है, अभी एक नंबर का व्यू आता है तगड़ा। फाइनली कसोल पहुँच गए और अभी फ़िलहाल प्लान बन रहा है अभी डायरेक्ट मणिकरण चलते हैं गुरुद्वारा के आसपास, तो उसके बाद कसोल का देखते हैं क्योंकि वो आगे है थोड़ा ही से 2-3 किलोमीटर, तो देखते हैं और जैसे भी होगा। पहुंचने वाले मणिकरण और ये साइड वाले पहाड़ देख के ना मुझे किन्नौर की याद आ रही है, किन्नौर वगैरह स्पीति वगैरह जाता है ना, पता नहीं किस साइड में है वो, मतलब पहाड़ के नीचे से निकलना पड़ता है ऐसे, पत्थर के पहाड़ जो ये वाले उसके नीचे से निकलना पड़ता है, उसकी याद आ गई मुझे ये देख के, पीछे गया वो जो बिल्कुल सिर के ऊपर से गया हूँ, गया मेरे ऊपर से। और यार रोड कंडीशन ना बहुत ज़्यादा बेकार है, नीचे है सोनू, नीचे ही है वो, अंदर ही तो है, नीचे ही है वो गुरुद्वारे के अंदर ही है वो, जहाँ मतलब पानी उबलता है ना, हाँ हाँ उसके ऊपर ही है, ऊपर देखो पूरे ब्लैक हो रखे वो, हाँ हाँ समझ गया। कसोल में तो मुझे इतनी ठीक ठाक जगह लगी नहीं है, कुछ नहीं खास भाई। कसोल में पता क्या है, ये कैंपिंग है, कैंपिंग के ये रिवर के पास में कैंपिंग है बस। एक काम करते हैं ना, ठीक है ये घूम के आते हैं फिर चलते नीचे उतर गुरुद्वारा मणिकरण, वो नीचे रह गया और हम थोड़ा आगे आगे, तो पीछे चलते। और यार खास कुछ है नहीं इधर कसोल में भी, वही है कैफे वगैरह हैं और साइड में वो है, तो नीचे ही लगाते कहीं पैड में पार्किंग में। आ जाओ क्या हो गया, गुरुद्वारा तो वही है, अरे वो दिख रहा उधर दिखा, हाँ तो आगे चल लिया, तो या तो यहाँ से ले चल लिया, तो आगे से चल। कैसे भगा के लेके जा रहा है यार, तो देखते यहाँ से क्या सीन है भाई पार्किंग वार्किंग का। सोहंजी है गुरुद्वारा, ये मनाली में बाढ़ आई थी ना कुछ टाइम पहले, और ये पूरा भर गया था उस टाइम पे पूरा का पूरा, और उस टाइम उधर कुछ बंदे आ रहे हैं ये देख सकते हो, स्नान कर रहे उधर, और ये देखो। सो हाँ जी ये बंदे जो नहा रहे हैं इधर, मुझे लगा पानी ठंडा है तभी नहा रहे हैं, इधर हवा भी, मैंने सोचा पानी गर्म होगा तो देखा हाथ लगाए तो ठंडा पानी है। सो हाँ जी जो सामने दिख रहा है ये वाला पानी,
ये पूरा गर्म पानी आ रहा है और अंदर से भाप सी निकल रही है उधर से, पूरा गर्म है यार। और पूरा चेकआउट करो यार, क्या प्यारा लग रहा है। पूरा गर्म पानी है ये देखो। ये मार्केट पूरी, कुछ भी सामान लेना हो। हाँ जी, यहाँ से निकलते हैं और टाइम हो गया 4:00 और सोच रहे हैं कसोल भी रुकने का प्लान कैंसिल हो गया और मणिकरण भी, तो कुछ ज़्यादा खास लगा नहीं हमें। और निकल रहे हैं यहाँ से, या तो भुंतर रुकेंगे, यहाँ से 50 किलोमीटर है, या फिर देखेंगे टाइम रहेगा तो मंडी में स्टे कर लेंगे आज। और निकलते हैं यहाँ से फिर से, सिर्फ 1 घंटा 18 मिनट में पहुँच गए। और ये मनाली के लिए और ये इधर मंडी के लिए, फिर से हाईवे पर चढ़ गए। और अब डिसाइड करते हैं डायरेक्ट घर निकलने की सोच रहे हम तो, क्योंकि यार अब कोई फ़ायदा नहीं है इधर रुक के, और थोड़ा रेस्ट करते फिर निकलते हैं यहाँ से। अभी ये हुआ, अभी हम निकल रहे हैं डायरेक्ट दिल्ली, और दिल्ली यहाँ से है 470 किलोमीटर। तो इससे अच्छा है यार कल का दिन ख़राब करें तो आज की रात ही ख़राब कर देते हैं, तो सुबह पहुँच जाएंगे अपने घर, सुबह तक दिल्ली पहुँच जाएंगे, और कल सुबह पूरा रेस्ट दिन रेस्ट कर लेंगे और यहाँ से निकलते हैं। फिलहाल देखते हैं, मुझे दिल्ली यहाँ से दिखा रहा है 482 किलोमीटर। तो यार 10 से 12 घंटे हमें मैक्सिमम लगने हैं, अगर अकेला होता तो कम टाइम लगता, तो सोनू भाई हैं तो राम राम से जाना पड़ेगा। देखो दिल्ली 481, चंडीगढ़ 249, मंडी 50 किलोमीटर मान के चलो। और ये रह गए बस ओनली, और ये गाड़ी है स्प्लेंडर, देख लो महाराष्ट्र नंबर है मुंबई का MH। और दो बंदे हैं, पिलियन है देखो यार, और सामान वगैरह कैंपिंग का है शायद इनके पास, ये इतना सारा बैग लगेज वगैरह, कितना सामान ले कर चल रहे यार स्प्लेंडर पर देखना। तो यार नंबर 2 ये है 12 नंबर टनल, और चंडीगढ़ से मनाली तक 12 नंबर। हो चुका है और टाइम हो गया 9:30, और हम हैं अभी सुंदरनगर में, और यहाँ से चंडीगढ़ रह गया 170-180 पता नहीं इतना कुछ है, और दिल्ली हम पहुँचेंगे भाई साहब सुबह तक, क्योंकि आराम से जाएंगे यार, कोई जल्दबाजी नहीं है, नाइट का समय है, तो इसलिए। सुंदरनगर से हो चुके हैं फिर से रवाना, और 9:00, और अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप कहाँ लेते हैं। 1.5 घंटा तो यार कम से कम चलाएंगे बाइक, 9:30 तक तो चलाएंगे कम से कम। और यहाँ से बिलासपुर दिखा रहा है, और ये 40 किलोमीटर के आसपास होगा, 35-40 के आसपास, तो 1 घंटा बिलासपुर का लग जाएगा हमें, और पहुँच जाएंगे यार ऐसे धीरे 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 धीरे, अपने गाड़ी ठंडी रहेगी। और 1 घंटे का रेस्ट इसलिए लिया था अभी डिनर करके, ताकि गाड़ी हमारी ठंडी हो जाए, क्योंकि यार सुबह से चल रही है इसलिए, ताकि ठंडी हो जाए, और गाड़ी बहुत ठंडी हो गई थी। ओके हो गई, और सोनू भाई को मैंने बोल दिया भाई तू डाल ले रेनकोट, क्योंकि ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, और रात को ठंड लगेगी, इसलिए भाई ने डाल लिया रेनकोट, और कंटिन्यू कर दिया हमने अपनी जर्नी फिर से। सोनू भाई चढ़ गया था गलत रास्ता, और यार साथ में चलने, तू गलत चला गया था, हाँ हाँ तो गलत चला गया था रास्ते में, तो साथ में चलने में ना ये फ़ायदा होता, देखो अगर ये मैं इससे आगे होता या मेरे से पीछे होता ज़्यादा, तो मुझे नहीं पता लगता ये गलत चला जाता, और मैं इसका वेट कहाँ करता, रात का टाइम ऐसे ही हो रखा है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। और हाँ जी चंडीगढ़ रह गया 130 किलोमीटर, और शिमला 110 दिखा रहा है, 130 किलोमीटर रह गया चंडीगढ़, और टर्नल नंबर 1-5 आ गई,
लो भाई नजारा देखो टनल का, क्या कितना प्यारा व्यू आ रहा है यार। तो ये अपना आ गया दूसरा वाला रोड एक, और चंडीगढ़ दिखा रहा है 102 किलोमीटर, शिमला के लिए सीधा, और यहाँ से लेना हमने राइट, राइट जाना भाई साहब राइट यार। और चंडीगढ़ तक का वही लग जाएगा हमें अभी 2 घंटे और, वही 10-12 बजे के आसपास चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे। तो आगे अब दो टनल आएंगे टनल, और उसके बाद पहुँच जाएंगे हम किरतपुर के नाम से कोई जगह शायद, किरतपुर स्टेक, ओ किरतपुर अब स्टॉप लेंगे अगला जो होएगा, वहाँ थोड़ी चाय वाय लेंगे यार आगे जाके। हिमाचल एंटर, हिमाचल बॉर्डर है जो पूरा ख़त्म, और पंजाब स्टार्ट हो गया, किरतपुर यहाँ से रह गया 35 किलोमीटर, और अंधेरे में पता नहीं अब गोप्रो में यार अच्छे से दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो यहाँ से रह गया अब चंडीगढ़ भी पास में ही रह गया, वही 1.5-2 घंटा लगना अभी, अगर कंटिन्यू चलेंगे तो 1.5 घंटा लगेगा, पर हमें रेस्ट अभी चाहिए यार क्योंकि 9 बजे के निकले हुए, 10:30 हो गए, 1.5 घंटा हो गया फिलहाल हमें चले हुए, कंटिन्यू गाड़ी चल रही है 1.5 घंटे से, और पता भी नहीं लगा, ठंडा हो रखा है मौसम, तो अगर दिन में होते तो गर्मी लगती यार, और गाड़ी भी हीट हो जाती ज़्यादा ही, तो अभी तो क्या पता नहीं लगा। डेढ़ घंटा खींच दी, 10:24 हो गए देख ले। सो हाँ जी टोल है, और पहाड़ी जो पहाड़ी एरिया था वो सारा ख़त्म, और अब हो गया पंजाब का एरिया स्टार्ट, बस इसी चीज़ की टेंशन यार क्योंकि रात में पहाड़ी एरिया में दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है, और डर भी लगता है यार जानवरों से, आदमियों से नहीं लगता, इतना जानवरों से लगता है। सो हाँ जी बाकी रेस्टोरेंट पे रुके थे, एक ढाबा है, और खाट काफ़ी देर से ढूंढ रहे थे ताकि लेट जाएँ, और काफ़ी देर बाद मिली है, तो 11:30 हो चुके हैं, और चंडीगढ़ यहाँ से 60-65 किलोमीटर रह गया, और 1 घंटा और लगेगा, और यहाँ से 12 बजे निकलेंगे करेक्ट, और 1-1.5 बजे तक पहुँच जाएंगे फिर चंडीगढ़, फिर वहाँ रुकेंगे 5-10 मिनट फिर निकल जाएंगे, तो अभी यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करते हैं यार, आधा 1 घंटा लेट जाते हैं, कमर थोड़ी सीधी हो जाएगी फिर निकलेंगे। सो हाँ जी फाइनली पहुँच गए मोहाली सोहाना के आसपास, और होमलैंड की बिल्डिंग है ये देखो, और ये रहा होमलैंड सोहाना गुरुद्वारा, और 1 बज चुका है यहाँ से, दिखा रहा 250 किलोमीटर अपना घर, टोटल जो घर है यहाँ से 250 किलोमीटर दिखा रहा है, कोई 4-5 घंटे दिखा रहा है, तो वही लग जाएंगे हमें 6-7 घंटे क्योंकि 1 घंटा आगे जाके रुकेंगे अभी दोबारा से, तो फिर आगे मिलते हैं। तो हाँ जी फाइनली मुरथल पहुँच गए, और टाइम हो गया 6:30, और पूरी रात चले यार, देखा है आपको मैंने, और फाइनली अब होगी सुरखनी, और व्यू चेकआउट करो यार कितना प्यारा है व्यू आ रहा है इधर से देखना, ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, और जाते ही सोएंगे यार सबसे पहले तो, और क्योंकि पूरी रात हो गए 12 घंटे प्लस हो गए गाड़ी चलाते चलाते, और फिर मिलते हैं आगे, अभी निकलते हैं फिर से।